बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। बहुजन समाज पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी के सब लोग या मैक्सिमम जो लोग है वोटर्स है वो अपने साथ जुटाने में कांतिराम जी को बहुत बड़ा सफलता मिली है। तो अभी मुझे वातावरण दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पर बहुत सारे लोग नाराज होते जा रहे हैं, मायावती पर भी लोग नाराज हो रहे हैं। और आपने देखा है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी और अपना दल के 73 लोग चुनकर आए और बीएसपी का एक भी एमपी चुनकर आया नहीं। समाजवादी पार्टी के 5 लोग ही चुनकर आए, कांग्रेस के 2 चुनकर आए थे। तो माहौल बदलता जा रहा है और मुझे नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार आरपीआई को मंत्रिमंडल में मौका देने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में थोड़ी अच्छी हलचल है और बहुत सारे लोग मुझे बुला रहे हैं, आरपीआई में आ रहे हैं। अजय जी गौतम जी वो राज्य मंत्री का दर्जा उनको तो था और वो भी बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, वो भी हमारे आरपीआई में आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के आरपीआई में आ रहे इसीलिए आज यहाँ फंक्शन रखा है। मैंने मायावती जी को अपील किया था कि मायावती ने एनडीए का सपोर्ट करना चाहिए, बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मायावती गई समाजवादी पार्टी के साथ और अभी बोल रही है कि भाई समाजवादी पार्टी का वोट उनको मिला नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी का वोट मिला इसीलिए 10 एमपी आपकी चुनकर आई है और आपका वोट समाजवादी को मिला नहीं इसीलिए उनके 5 के 5 ही रह गए, उनमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। और बीजेपी ने तो 62 का आंकड़ा पार किया, इतना बोल रहे थे कि इनके 10-20 आएगी लेकिन 62 बीजेपी के और 3 नहीं तो 2 अपने अपना दल के, इसी तरह 64 लोग एनडीए ने यहाँ यूपी में चुनकर लाए हैं। तो मुझे लगता है कि माहौल बदलता जा रहा है, मोदी जी के फेवर में पूरी जनता आ रही है। मायावती बोलती है कि समाज की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं तो हर बार समाज की बात किया है। जब अट्रोसिटी एक्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जब विरोधी जजमेंट दे दिया था तो प्रधानमंत्री जी को मिलकर हमने लोकसभा राज्यसभा में दोबारा वो कानून लाकर जो एट्रोसिटी एक्ट 1989 उसमें तो सुधार किया है। और बाकी जब जब अपने दलित के इश्यू आए हैं तब तब मैंने आवाज उठाई है। तो मायावती का जो कहना है कि भाई ये मायावती मुझे बोलती है कि भाई ये मनुवादी के साथ चले गए हैं, लेकिन मेरा मायावती को सवाल है कि आप जब 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी तब बीजेपी मनुवादी नहीं थी क्या? 3 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के एमएलए का सपोर्ट लेकर आप मुख्यमंत्री बनी थी, तो मैं मनुवादी के साथ नहीं हूँ ना, मैं मनीवादी के साथ मैं हूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा मैं दलित इशू पर मैं उठाते मैं इधर मंत्री पद तक आया हूँ और मैंने हमेशा दलितों की भूमिका मैंने मेरे भाषण में रखी है। तो मुझे लगता है कि मायावती के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है।